भारत में चल रहा किसान आंदोलन और उसके ऊपर अमेरिकन पॉप सुपरस्टार रियाना का ट्वीट। रियाना के ट्वीट का सिंपल मतलब है कि फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनका इंटरनेट तक काटा जा रहा है, क्या हमें इस पर बात नहीं करनी चाहिए। अब इस ट्वीट पर भारत की तेज तर्रार सरकार कुछ जवाब दे, उससे पहले ही सरकार से भी 10 गुना तेज तर्रार कंगना ने जवाब दे दिया। कंगना ने मोटे तौर पर रियाना को कहा कि ये किसान नहीं टेररिस्ट हैं और तुम एक फूल हो। नहीं, हिंदी वाला फूल नहीं, इंग्लिश वाला फूल, यानी कि रियाना तुम मूर्ख हो। अब इसके बाद तो ट्विटर और सोशल मीडिया पे मीम्स की बाढ़ आ गई। तो चलिए आप भी देखिए 12 बेहतरीन मीम्स टॉप 12। कंगना फिर शुरू, यानी अब मजा आएगा ना भिड़ू। कहीं कुछ भी हो, कंगना का रिएक्शन कुछ ना कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। यहां दिलजीत का एक्सप्रेशन तो प्राइसलेस है, मतलब अब मैं क्या कहूं यार। रिहाना के इस ट्वीट के बाद दिलजीत कंगना को कह रहा है, क्यों जली ना। रिहाना को कंगना कह रही है, अरे तू तो आउटसाइडर है, तुझे क्या पता, तुझे कुछ नहीं पता। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो ब्लैक लाइव्स मैटर मुद्दे पे बहुत कुछ बोल रहे थे, इस ट्वीट में फार्मर्स प्रोटेस्ट मुद्दे पर उनकी हालत क्या है इस ट्वीट में दिखती है। और यहाँ सेलिब्रिटीज इंटरेस्टेड ही नहीं है, कह रहे हैं कि मुझे सुनता ही नहीं है। ये एक बढ़िया ट्वीट, सपना चौधरी के सुपर हिट हरियाणवी गाने के बोल भी यहाँ यूज कर लिए गए हैं। इस ट्वीट में दोनों की नेटवर्थ के ऊपर बात की गई है कि 13 मिलियन नेटवर्थ वाली अब 550 मिलियन नेटवर्थ वाली को समझाएगी कि ठीक गलत क्या है। और यहाँ एक बार ट्विटर फॉलोअर्स की बात की गई है कि जब 100 मिलियन फॉलोअर्स वाले 3 मिलियन फॉलोअर्स वाले के साथ आमने सामने होंगे तो उस टाइम एक्चुअल पिक्चर क्या होगी, हालत क्या होगी। और यहाँ आज के बाद रिहाना का गाना कंगना कैसे सुनेगी, किस हाल से सुनेगी, उसके ऊपर ट्वीट है। ये महाभारत सीरियल से इंस्पायर है। और एंड में ये है बोनस मीम, क्योंकि ये तो दिलजीत के टाइम से ही चल रहा है।